मॉर्निंग बच्चों, चलिए आज हम भाग के प्रश्नों को हल करना और उत्तर की जांच करना सीखेंगे। पिछली कक्षाओं में आपने सीखा है कि एक ही संख्या को बार बार घटाने की क्रिया को हम भाग कहते हैं, या उसे सरल शब्दों में और इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी वस्तु को बराबर बराबर बांटने की क्रिया को हम भाग कहते हैं। तो चलिए, हमारे पास एक भाग का प्रश्न है, 978 भाग 4, इसे हल करने की कोशिश करते हैं। तो इसे इस तरह से लिखें, भाग 7। जैसा कि हम देखते हैं, हमारे पास जो भाजक है 7, किसी भी भाग प्रश्न को हल करने के लिए पहले भाजक का पहाड़ा बनाना चाहिए। तो चलिए हम पहले 7 का पहाड़ा बना लेते हैं ताकि आगे प्रश्न को हल करने में आसानी हो। तो 7 × 4, 7 × 14, 7 × 63 और 7 × 70, यह हमारा भाजक का पहाड़ा तो बन गया। अब इसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। हम सैकड़े की तरफ से चलेंगे, फिर दहाई और फिर इकाई को बराबर बराबर बांटेंगे। तो चलिए, पहले इस 9 के लिए हम 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 7 × 7 हम पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक इस 9 से बड़ा ना हो जाए, और जैसे ही बड़ा होगा हमें वहाँ रुक जाना है। तो चलिए, 7 × 7, 7 × 14, हम देखते हैं यह 14 जो है 9 से ज्यादा हो गया, तो हम दूनी तक ना पढ़कर एकम तक पढ़ेंगे, 7 × 7। घटा लीजिए तो 9 में से 7 गया 2, अब यहाँ 2 बच गए। अब इस दहाई में जो 7 है उसे यहाँ उतार लेंगे। अब हमारे पास है 27। अब चलिए 27 को भाग करते हैं 7 से, 7 × 4, 7 × 14, 7 × 21, 7 × 28। यहाँ देखिए ये 28 जो है 27 से बड़ा हो गया, या तो बराबर आना चाहिए 27 के या उससे थोड़ा छोटा हो। तो चलिए, ये 28 ज़्यादा हो गया तो उससे कम 21, तो कितना में तिया 7 × 21, यह हो गया। फिर घटा लीजिए, 7 में से 1 गया 6 और 2 में से 2 गया 0। अब हमारे पास इकाई का बचा है 8, उतार लेते हैं 8 को। अब हमारे पास हो गया 68, 68 के लिए पहाड़ा पड़ते हैं 7 का, 7 × 7, 7 × 14, 7 × 21, 7 × 28, 7 × 35, 7 × 42, 7 × 49, 7 × 56, 7 × 63, 7 × 70। यह 70 जो है 68 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो हम इस 63 को लेंगे, कितने बार में 63 आया, निया 7 × 63। घटा लीजिए, 8 में से 3 गया 5 और 6 में से 6 गया 0। अब हम देखते हैं हमारे पास इधर और उतारने के लिए कुछ है नहीं संख्या, तो यह हमारा बचा है और इसे हम कहेंगे शेष फल। तो यह हो गया हमारा भाग। इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ सबको अलग अलग भाज्य, भाजक, भागफल और शेष फल। तो भाज्य जिसको हमने बांटा तो 978 हमारा भाज्य है। भाजक कितने बराबर भाग में बांटा तो 7, तो भाजक हो गया 7। भागफल,
भाग करने के बाद हमें जो उत्तर मिला, फल मिला, वह भाग फल 139 और शेष फल कुछ बच गया तो यहाँ हमारे पास बचा है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। तो यह तो हो गया हमारे भाग की क्रिया। अब हमें यह जानना है कि हमने जो भाग की क्रिया की है वह सही है या नहीं। तो चलिए हम उत्तर की जांच करना सीखते हैं कि हम किस प्रकार से उत्तर की जांच कर पाएंगे। उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच करने का तरीका यह है, क्योंकि हमने इसको बराबर बराबर बांटा है 7 बराबर भागों में और हमारे पास उत्तर मिला, भागफल मिला 139, तो 7 और 139 का जो गुणा होगा और अगर शेषफल बचा है तो उसमें शेषफल का योग जो है भाज्य के बराबर होगा। कुछ इस तरह से भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक और उसमें जोड़ होगा शेष फल। अगर शेष फल है तब तो चलिए भागफल हमारे पास देखते हैं कितना है। यहां से देखिए 139, तो ये भागफल है 139 गुणा भाजक, भाजक है 7, तो यह हो गया 7 धन शेषफल। अगर शेषफल है तो उसे भी लिखना होगा, शेषफल है हमारे पास 5, तो लिख लेते हैं 5। पहले हम इन दोनों का गुणा करते हैं और फिर उसमें 5 जोड़ लेंगे। तो चलिए 7 × 63 = 3 हासिल 6 × 7 = 21 और 6 × 27 = 7 हासिल 2 और 7 × 7 और 2 9। यहाँ जोड़ना भी है धन 5, चलिए जोड़ते हैं 3 और 5 = 8 और 7 और 9 तो 978 भाज। हम देखते हैं कि ये जो 978 है भाज, वह भाज्य के बराबर है। यहाँ भी हमने 978, यहाँ भी हमने देखा 978 भाज्य के रूप में। तो इस तरह से हमने जो भाग की क्रिया की है वह बिल्कुल सही है। हमने उत्तर की जांच कर ली। ऐसे आप भी ढेरों सवाल हल कीजिए और उत्तर की जांच हम स्वयं कर सकते हैं।